अपने कौन कौन से? रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एंड तीसरा केटीजी एंड रेडिएशन, केटीजी एंड रेडिएशन। तो कल मॉर्निंग मिलेंगे अपना, समझा था मैं आखिरी में टॉपिक समझा था। ये देखो आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो इसके बारे में अगर बताऊं तो डेटा बेसिस पे इस पे थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, या तो फिर एक मार्क का, दो मार्क का छोटे छोटे क्वेश्चन आते, इसके न्यूमेरिकल्स आते। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन है वो सॉल्व कर देंगे, देन एमसीक्यू कौन से आए वो भी देख लेंगे, पीवाईक्यू के सारे, और सारे लॉज कर लेंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंड अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फेब्रुआरी 2023 का सवाल है, लास्ट ईयर का ही। ओके, बेस्ड ऑन बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल है, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी, सेकेंड, इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस डज वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, छोटे छोटे बच्चे जैसे सवाल आएंगे, कौन सा? आइसोकोरिक। अब इसमें जब वो जो आपके कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसमें एमसीक्यू देते हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते देखा है। मान लो कॉलेज में जो कॉपी है उसमें बताता पहले का बी, वो कुछ भी लिख के दे देते, तो जिसको आता वो भी बहुत शक करता खुद के नॉलेज पे, अरे नहीं यार बी होगा। तो ऐसे मत करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? दो साल की इतनी सारी फीस कर भर के नीट का कोर्स करे वाला अपन ने, कौन सा ये? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब आइसोकोरिक, वो कुछ भी दे देते उसके आंसर, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते, ये देखो ये भी सवाल आया है। ओके, तो हमें कौन सा पूछा है? ओए पाथ का, ओए मतलब ये, इस पाथ में क्या कॉन्स्टेंट है? प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसे सवाल तो चार चार आंसर घूमते हैं, तो बी केयरफुल। तो इसका क्या आना चाहिए? सी, सी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ये केमिस्ट्री में भी आता है सवाल, फिजिक्स में भी आता है, लेकिन आंसर लिखने का तरीका अलग है। केमिस्ट्री में माइनस आता है, इधर माइनस नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका आंसर उधर ही लिखो, इसका आंसर इधर ही लिखो। इसमें एडियाबेटिक का भी वर्क है, वो एक्सप्रेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, नीट वाले बच्चों को मैंने डिटेल में करवाया, लेकिन वो नहीं करके जाना है, एग्जाम में आता भी है तो नहीं लिखना है, उसके बजाय दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सवाल काफी पूछा गया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो इसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बनाना है, वर्क डन बाय गैस इन विच प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या करेंगे? नंबर वन, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा? टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होगा? कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? बॉयल्स लॉ, याद आ रहा है कुछ? क्या बोलेंगे इसको? बॉयल्स लॉ। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम, किसका? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ग्राफ कैसे आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसे आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या बोलेंगे कि भाई देखो V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ का प्रेशर क्या है? P1। यहाँ का वॉल्यूम क्या है? यहाँ का V1 प्रेशर का प्रेशर P1, V2 वॉल्यूम का प्रेशर P2। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसको इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा बोलो? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P1, V1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P2, V2। अब इसका मेकअप करेंगे, क्या बोलेंगे? लेट P1, V1 बी क्या है भाई? इनिशियल स्टेट। सही है ना, इनिशियल स्टेट। इसके बाद P2, V2। ये क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट। ये क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट।
अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का पूरा वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम P1V1 to P2V2 इज गिवन बाय। देखो एक स्लाइड भर गई पूरी, लेकिन इसको कोई मार्क नहीं है, आधा भी मार्क नहीं मिलेगा, इतना लिखोगे इसको मार्क ही नहीं होते, ये सिर्फ मेकअप है, पानी नहाए बस सब चले जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको कोई मार्क नहीं है, मार्क यहां के आगे के स्टेप को है, जो भी स्कोर आएगा इसके आगे के स्टेप को होगा, लेकिन इसके बगैर मजा नहीं आएगी, समझ में आ रहा है, ये लिखना पड़ेगा सिर्फ। ओके अच्छा अब देखो, तो पूरा वर्क किसने मिलेगा, सबको पता है टोटल वर्क डन इज ऑप्टेन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सही है, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। और याद है कि भूल गए, प्रेशर वॉल्यूम मतलब गैस के लिए वर्क डन कितना होता है, पी डी वी, कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक। ओके ये क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन ये प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल, तो क्या इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं, तो प्रेशर को बाहर ले सकते क्या, नहीं ले सकते, समझ आ गया। तो फिर प्रेशर को डीवी के साथ इंटीग्रेट कैसा करेंगे, तो चेंज करो वेरिएबल, कैसे क्या करना पड़ेगा, बाय बोलो आइडियल गैस इक्वेशन, याद आ रहा है कुछ, आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें से बस ये इकलौता एक्सप्रेशन करेंगे, छोटे मोटे डेफिनेशन याद करेंगे एंड सभी टाइप के न्यूमेरिकल खत्म, एक्स्ट्रा का कुछ नहीं करना है इसमें से। तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी, तो पी क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय वी, एनआरटी बाय वी, ये वैल्यू उठा के यहां चिपकाओ, बोलो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एनआरटी बाय वी इंटू डी वी, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एनआरटी इंटीग्रेशन 1/V इंटू डी वी, कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक, सेम स्टेप केमिस्ट्री में है, बस माइनस माइनस होता रहेगा, एक्सपांशन में वर्क डन निगेटिव बोलते हो लोग, हम ऐसे नहीं बोलते, समझ में आ रहा है। तो अब 1/V का इंटीग्रेशन बोलो, एनआरटी का एनआरटी, 1/V का इंटीग्रेशन, वाह बेटे वाह मौज कर दी। ओके ln ऑफ v, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, तो 1/V का log ऑफ v, मतलब ln ऑफ v कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक, तो ये nrt का nrt ln ऑफ अपर लिमिट v2 माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट v1, सब्सट्रैक्शन में log का क्या होगा, डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, nrt ln ऑफ v2 बाय v1, यह आएगा वर्क डन इन विच प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। कभी कभी क्या कर देता है, स्टेटमेंट दे देता है। अब इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं, थियोरेटिकली समझाता हूं। पहले तो ये लॉग हम लॉग टेबल में नहीं देख सकते, तो इसको लॉग टू द बेस 10 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2.303 nrt लॉग टू द बेस 10 v2 बाय v1। अब यहां पे बॉयल्स का यूज करेंगे, p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, तो v2/v1 इज इक्वल टू p1/p2 आता है। तो एक एक्सप्रेशन ये भी बनता है, w इज इक्वल टू 2.303 nrt log टू द बेस 10 p1/p2। तो घुमा फिरा के कुछ सवाल पूछता है तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, समझ में आ गया। ओके तो सारे स्टेप्स ये स्टेप्स है जिनके लिए पूरा स्कोर रहेगा, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे हर एग्जाम में सवाल है, अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे फिजिक्स का हो या चाहे केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक अगर सिलेबस में है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे सवाल 102% आएगा, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। फिजिक्स के साइन कन्वेंशन अलग है, फाइनल आंसर अलग आएगा, केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन अलग है, फाइनल आंसर अलग आएगा। कैसे अलग आएगा, पहले थ्योरी के सवाल कर लेते हैं, कौन से, दोनों लॉ कर लेते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत बार पूछा गया है एक मार्क के लिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये, इफ टू बॉडीज ए एंड बी
आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम. जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो उसमें हीट एक्सचेंज होती है, जितनी लॉस होती है उतनी गेन होती है, उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम. इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो बॉडी ए है वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में. तो क्या हो जाएगा? देन बी एंड सी आर अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. वेरी सिंपल, अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं. ये तीन बॉडीज हैं. जैसे कि मान लो ये ए बी सी तीन बॉडीज ले लेते हैं हम. ये ए बॉडी है, देन ये बी बॉडी है, देन ये सी बॉडी है. तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ, और दूसरा क्या बोलता है, ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो बेटा होगा क्या? ये बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम. और कितना आसान है, ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम, ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम, तो बी और सी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे. ठीक है. अच्छा, तो और एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या कहता है ये लॉ? इसको ऐसे भी बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लिखो तो सिर्फ ये लिख के आना होता है आपको कि हमने सिस्टम को जितनी हीट दी, सिस्टम ने दो जगह यूज की, एक खुद की एनर्जी बदलने के लिए और दूसरा वर्क करने के लिए. इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल फॉर्म. एक मार्क के लिए सवाल आता है, राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, दैट्स इट. dq is equal to du plus w. ठीक है, और अगर स्टेटमेंट पूछता है तो इसी को एक्सप्लेन करना होता है. क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ हीट dq given to system is used for two purpose. नंबर वन, टू चेंज इंटरनल एनर्जी. बेटा बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सभी प्रकार की एनर्जी का एडिशन, वाइब्रेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, जो भी है उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. टू चेंज इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू. एंड नंबर टू, टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क डन. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. कभी कभी तीन मार्क के लिए इधर ही निपटा देंगे उसको. साइन कन्वेंशन पूछता है, साइन कन्वेंशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. ये भी काफी अच्छा सवाल है, अगर कोई अच्छा मास्टर पेपर बनाएगा तो इस पे भी सवाल पूछ सकता है. व्हाट आर साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अलग अलग क्वांटिटी के लिए? तो हीट के लिए दो साइन कन्वेंशन है. अगर देखो अब साइन कन्वेंशन का आंसर लिखना है तो फॉर हीट करके हेडिंग डालेंगे, दो साइन कन्वेंशन. फॉर इंटरनल एनर्जी दो साइन कन्वेंशन. फॉर वर्क दो साइन कन्वेंशन. तो अगर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, इफ हीट इज एब्सॉर्ब देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव. इफ हीट इज रिलीज बाय सिस्टम देन इट इज टेकन एज निगेटिव. डेल्टा यू के लिए दो साइन कन्वेंशन होंगे. अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव. कैसे पहचानेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है? टेम्परेचर बढ़ता है. और अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो डेल्टा यू निगेटिव. ये बड़ी मजेदार चीज है बिकॉज केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में अलग अलग होता है. ये कैसे अलग होता है जरा ध्यान देना बेटा. देखो वर्क अगर सिस्टम करता है सराउंडिंग पे, तो हम इसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं. कोई सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, जैसे टू व्हीलर वर्क कर रही है, उसके इंजन में पेट्रोल बर्न होकर वर्क हो रहा है, तो केमिस्ट्री वाले क्या बोलते कि भाई यहां पे पेट्रोल बर्न हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रही, तो वर्क निगेटिव.
लेकिन फिजिक्स का एंगल अलग होता है, ये इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं इसको। तो बाइक जो काम कर रही है हमारे लिए कर रही, तो एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव लेते हैं। फिजिक्स में एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव, तो सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क कर रही, तो सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क कर रही तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सराउंडिंग इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सराउंडिंग इज पॉजिटिव। सराउंडिंग पे कौन वर्क करेगा? सिस्टम। और वर्क डन बाय सराउंडिंग, बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम क्या जाएगा? निगेटिव। ठीक है, आधा 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 आधा, मतलब तीन मार्क के लिए ये भी आ सकता है। तो साइन कन्वेंशन भी लिखने आना चाहिए। बोलो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ो। इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये इसकी डायग्राम। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ो। अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू गिवन टू सिस्टम इज यूज फॉर टू पर्पज। नंबर वन, टू चेंज इंटरनल एनर्जी टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क डन। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। साइन कन्वेंशन, हीट इज एब्सॉर्ब देन पॉजिटिव, हीट इज रिलीज देन निगेटिव। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज देन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज देन निगेटिव। वर्क डन ऑन सराउंडिंग इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज निगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज निगेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका न्यूमेरिकल देखो। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। 104 जूल ऑफ वर्क, ये देखो दो बार सवाल आया, दो बार सवाल है, एक बार किलो जूल का, एक बार जूल का। देखना, 104 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टन वॉल्यूम, ऑन सर्टन वॉल्यूम। 104 जूल का वर्क किस पे हुआ? सर्टन वॉल्यूम पे, मतलब सिस्टम पे हुआ। जो वर्क सिस्टम पे होता वो कैसे रहता? निगेटिव, निगेटिव। जो सराउंडिंग पे होता वो पॉजिटिव, जो सिस्टम पे होता वो निगेटिव। तुम जो बात कर रहे हो केमिस्ट्री की है। जो सिस्टम पे वर्क होता वो निगेटिव, सारा स्कोर इधर ही छुपा है। तो सिस्टम पे होने वाला वर्क निगेटिव, मतलब माइनस 104 जूल। तो इसको किलो जूल कर लेते, माइनस 0.104 किलो जूल। बात समझ में आती? माइनस 0.104 किलो जूल। माइनस क्यों लिया? सिस्टम पे वर्क हुआ, जो वर्क सिस्टम पे होता फिजिक्स बोलता वो निगेटिव रहता। इफ द गैस रिलीज, गैस रिलीज, रिलीज मतलब हीट पॉजिटिव के निगेटिव, निगेटिव रिलीज हीट इज निगेटिव। तो Q कितना है? Q इज इक्वल टू माइनस 125 किलो जूल। समझ में आ रहा? तो वर्क सिस्टम पे हुआ निगेटिव, हीट रिलीज हुई निगेटिव। क्या पूछा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बोलो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। वर्क किस पे हुआ? सिस्टम पे। जो सिस्टम पे वर्क होगा वो निगेटिव। तो Q कितना है? माइनस 125 माइनस, वर्क कितना है? माइनस 0.104, दोनों किलो जूल में है। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 125 प्लस 0.104। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, आंसर निगेटिव में आएगा। तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? 125.000 माइनस 0.104। सही जा रहे हैं अपन? तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 9, 8, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 124। और ये कितना आएगा? माइनस, कितना आ जाएगा? माइनस। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 124.896 किलो जूल। समझ में आ गया? तो इतना आंसर आना चाहिए। ये देखो बिल्कुल सही है, समझ आ गया। तो वर्क निगेटिव क्यों लिया बोलो? यही सवाल आएगा दो मार्क के लिए ऐसे ही। वर्क निगेटिव क्यों लिया? सिस्टम पे हुआ। और हीट निगेटिव क्यों ली? रिलीज हुई, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का एंगल अलग होता है, ये फिजिक्स का एंगल है। यहां आ जाते हैं। ओके, अच्छा इसके पहले ये निपटाओ। चलो क्या बोल रहा है? अ सिस्टम रिलीज 125 किलो जूल। देखो फिर से आया था सवाल। ओके, सिस्टम रिलीज 125 किलो जूल। रिलीज मतलब निगेटिव 125 किलो जूल। एंड 104 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव, निगेटिव। क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
डेल्टा यू पूछ लिया है, दो मार्क के लिए आएगा बेटा। बोलो क्या रहता फर्स्ट लॉ, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। तो क्यू कितना है, माइनस 125 माइनस माइनस 104 माइनस माइनस प्लस, 104 में से 125 गए माइनस 21 माइनस 21 तो माइनस 21 किलो जूल। अच्छा माइनस वन आई मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस देन डेल्टा यू निगेटिव और जब बढ़ती है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस 21 किलो जूल विल बी द आंसर, ठीक है। ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ओके। ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ समझा दिया, जीरोथ लॉ समझा दिया, ये भी हो गया ठीक है। एमसीक्यू तो कर लिया हमने, यहाँ आ जाते हैं ठीक है। ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, चार मार्क के लिए आया था, यहाँ चार मार्क का न्यूमेरिकल है ये, ध्यान से देखना। क्या ये आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर, ओके। मतलब T2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1, ऐसा एक न्यूमेरिकल आएगा चार मार्क के लिए, गलत बता रहे दो मार्क का, चार मार्क के लिए आया था। T2 इज इक्वल टू 2T1। तो हमें क्या पूछना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर मतलब P2 by P1 निकालना है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक का गामा निकालेंगे, मोनोएटॉमिक का गामा, गामा क्या रहता, 1 plus 2 by F, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहते, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहते, तो 1 plus 2 by 3 तो कितना हो गया 5 by 3, गामा कितना आ गया 5 by 3। और एडियाबेटिकली बोल रहे हैं, एडियाबेटिकली बेटा अगर आपको याद है आइसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक के लिए PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट हमें जो रिलेशन पूछा है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, मतलब वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो वॉल्यूम को हटाना है, तो वॉल्यूम को हटाना है तो क्या करेंगे, NRT by P, वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे, NRT by P। तो क्या हो जाएगा ये पी का पी इन ब्रैकेट वॉल्यूम की जगह NRT by P टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, जो चीजें कांस्टेंट होती है उसका प्रोपोर्शनैलिटी में कोई रोल नहीं होता, ये नंबर ऑफ मोल हटा दो, आर हटा दो, और क्या हटा दो, बाकी तो हटेगा नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन निकालना है। तो पी इंटू टी रेस टू गामा डिवाइडेड बाय पी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट इधर आके कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाय कॉन्स्टेंट इज अ न्यू कॉन्स्टेंट, तो ये प्लस इधर जाके ऊपर जाके माइनस, तो पी रेस टू 1 minus gamma टी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, पी रेस टू 1 minus gamma इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू गामा, पी रेस टू 1 minus gamma ये इधर चला जाएगा ना, तो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे इसके हिसाब से, देखो पीछे चलते हैं, यही निपटा देते हैं। बोलो सर हमें क्या निकालना है, P2 by P1 रेस टू 1 minus gamma इज इक्वल्स टू, P2 by P1 आया मतलब यहां क्या आएगा, T1 by T2 रेस टू गामा, ओके। तो अब T2 की जगह क्या रख सकते हैं, 2T1, T2 की जगह क्या रख सकते हैं, 2T1। तो क्या हो गया ये, P2 by P1 रेस टू 1 minus gamma कितना है, 5 by 3, गामा कितना है 5 by 3 इज इक्वल्स टू T2 की जगह 2T1, यहाँ पे T1 का T1, T2 की जगह 2T1, तो T1 का T1, T2 की जगह 2T1 रेस टू गामा है, सही है, रेस टू गामा, गामा मतलब कितना 5 by 3। अच्छा ये 1 minus 5 by 3 मतलब P2 by P1 रेस टू, बोलो माइनस
टू बाय थ्री, सही है, माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू ये और ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो वन बाय टू टू दी पावर फाइव बाय थ्री। ओके, तो क्या करो सबका क्यूब कर दो, सबका क्यूब कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो इसका भी पावर थ्री और इसका भी पावर थ्री हो जाएगा। तो ये थ्री कैंसल, तो ये थ्री भी कैंसल, समझ में आ गया। फिर इधर क्या बचा, पी टू बाय पी वन रेस टू माइनस टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टू दी पावर फाइव। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इधर ले आएंगे और ये माइनस पावर इधर जाके प्लस पावर हो जाएगा, ये जो नीचे का ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा टू टू दी पावर फाइव, टू टू दी पावर फाइव इज इक्वल्स टू ये टू टू दी पावर, इसका पावर कितना है माइनस टू। सीधा सीधा उठा के नीचे ले आओ, नीचे से ऊपर ले जाओ, तो माइनस का पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो P2 by P1 raise to 2, raise to 2, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा P2 by P1 is equals to 2 का पावर 5 by 2, 2 का पावर 5 by 2। अब अगर नीट का पेपर होता तो यहीं पे आंसर खत्म हो गया था, लेकिन नीट का पेपर है नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये। ओके, या तो फिर नहीं नहीं लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे करो रूट टू का पावर फाइव, समझ में आता क्या, ऐसे भी कर सकते हो जिसको लॉग नहीं आता, दिमाग है थोड़ा सा तो कर सकते हो। वन बाई टू पावर मतलब रूट टू, रूट टू का पावर फाइव, रूट टू का पावर फाइव मतलब रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू इंटू रूट टू। ओके, कम दिमाग वाले लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा टू, ये क्या हो जाएगा टू, टू इंटू टू फोर इंटू वन पॉइंट फोर वन फोर, रूट टू का क्या था 1.414, तो क्या हो जाता है 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 1 4 4 और एक 5 4 4 जा 16 1 4 और एक 5, तो 5.656, ये देखो 5.656। प्रॉब्लम ये है यहां तक लाके छोड़ दोगे तो तुम्हारी किस्मत अगर खराब है और ऐसे मास्टर के पास पेपर गया जिसको न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो वो फाइनल स्टेटमेंट देखता, उसके आंसर शीट में ये लिखा रहता और तुम्हारा आंसर क्या रहता ये, तो जो मास्टर पेपर चेक कर रहा है उसको ये भी नहीं मालूम रहता कि इसका आंसर वही आता। ठीक है, तो इसके लिए कर्म अच्छे रहना पड़ता, तुम्हारे उत्ते अच्छे है नहीं तो पूरी प्रोसेस करो, तो ये आंसर लिखाओ, ये देखेगा उसको ही मार देगा, नहीं लिखा तो फिर उसकी मर्जी रही, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अपनी गवर्नमेंट जो रहती मार्क्स ज्यादा अगर देते हो आप तो वो चेक करती है, लेकिन मार्क अगर कैंसिल हो गया तो फिर वही वांदे, रीचेक करो ये करो, तब तक दूसरी नीट आ जाती। ओके, या इंडियन गवर्नमेंट है कुछ बोल नहीं सकते जब तक तुम्हारा बच्चा आ जाता ट्वेल्थ में फिर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं भाई। ओके, यहाँ आ जाते हैं, ऐसा भी सवाल आता है तीन चार मार्क के लिए, ये भी किया कि हमने नहीं, ये नहीं किया, इसको निपटाते पहले। चलो देखो देखो क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे गए, एग्जाम देखेंगे पिछले वाले तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे गए, क्या बोल रहा है देखो, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली, पहला प्रेशर पी वन 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। कोई शरीफ इंसान होगा जिसने पेपर बनाया, अदरवाइज ऐसे सीधे सीधे ऐसा यूनिट में देते नहीं ये लोग। ओके, इफ द वर्क डन, मेरे जैसा होगा कोई, इफ द वर्क डन इन द कॉम्प्रेसिंग द गैस, अस्क्यूर है कमीनो, ओके, कॉम्प्रेसिंग द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वर्क क्या पूछ रहा है, W इज इक्वल टू 150 जूल कॉम्प्रेस किया जा रहा है। ओके, तो सिस्टम पे जो वर्क होता, सिस्टम पे जो वर्क होता वो कैसे रहता, नेगेटिव रहता। ओके, 150 जूल, देन फाइंड द फाइनल वॉल्यूम V2 ऑफ द गैस। ठीक है, तो बोलो वर्क डन का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ओके, तो P, P कितना है, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही ना। ओके, कंप्रेसिंग द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर 150 जूल, ठीक है भाई, तो W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला है, लेकिन कंप्रेस किया जा रहा है तो वर्क डन कैसे आना चाहिए, निगेटिव वर्क कैसे आना चाहिए, निगेटिव, दिया क्या है पॉजिटिव, तो क्या रखेंगे माइनस 150,
-150, प्रेशर कितना है 2 × 10⁵ इन ब्रैकेट V2, फाइनल वॉल्यूम निकालना है V2 माइनस V1 कितना है 6 × 10⁻³। सही आ रहे ना अपन, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इनक्लोज इन द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली इतना और इतना है। इफ द वर्क डन इन कॉम्प्रेसिंग द गैस, कॉम्प्रेस किया ना, तो कॉम्प्रेस किया मतलब सराउंडिंग ने वर्क किया सिस्टम पे, तो सराउंडिंग जो सिस्टम पे वर्क करती हो कैसे रहता, निगेटिव। बिल्कुल सही जा रहे अपन, ठीक है ना। तो अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 75 −75 × 10⁵। सही है ना, −75 × 10⁵ V2 −6 × 10⁻³। तो इसमें के दो जीरो यूज कर लो, दो जीरो यूज कर लेंगे तो इधर इधर आ जाएगा, तो कितना आता है −0.75 × 10⁻³। ये V2 −6 × 10⁻³। तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाता, प्लस, क्या हो जाता, प्लस। तो क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा देखो कितने कमी ने लोग है, ये वहां पे पूरा लॉजिक रखा कहां पे, अगर तुम वर्क डन, यही प्रॉब्लम बच्चों का, यही प्रॉब्लम रहता है, वो निगेटिव लेना भूल जाते हैं। बात समझ में आ रही नहीं, अगर वर्क डन निगेटिव नहीं रखते तो आंसर पूरा गलत आ जाता, समझ में आ गया। तो ये माइनस इधर आके प्लस, तो क्या हो जाता V2 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आके प्लस 6 × 10⁻³ माइनस, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, −0.75 × 10⁻³। दोनों से कॉमन क्या निकलता, 10⁻³, ये आ जाता 5.25 × जूल। सिंपल है। तो सारा स्कोर कहाँ पे, देखो सीधा सीधा है, लेकिन 2 से 3 मार्क का सवाल है, तो सारा आंसर कहाँ पे छुपा है, वर्क कितना लेना पड़ेगा −150। क्या लॉजिक, साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन सिस्टम इज निगेटिव इन फिजिक्स, समझ आया, एंड सिस्टम अगर करता है सराउंडिंग पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आंसर आ गया भाई इसका। ओके आगे चलते हैं। अच्छा जूल लिखा हमने, जूल नहीं ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, तो क्या आएगा मीटर क्यूब, बिकॉज इनिशियल भी किस में था, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में था। ठीक है, ऊपर का कुछ बचा है क्या, ये सॉल्व कर दिया, ये भी हो गया, ये सारा हो गया, वॉल्यूम भी हो गया, चलो ठीक है ये हो गया। यहां आ जाते बेटा, ये भी अच्छा सवाल है, देखो 0.5 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल 0.5, याद रखो सेम सवाल केमिस्ट्री में आता है, सेम सवाल केमिस्ट्री में आता है, लेकिन उधर माइनस लेके करते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 450 केल्विन, केमिस्ट्री वाले सेल्सियस में दे देते हैं, तो 273 ऐड करना पड़ेगा। आइसोथर्मली एक्सपांड किया, इनिशियल वॉल्यूम 3 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 9 लीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का वर्क डन क्या आता, W इज इक्वल टू 2.303 nRT log of base 10 V2/V1, समझ में आ रहा कुछ, V2/V1, अगर केमिस्ट्री रहता तो माइनस से शुरू करते, समझ में आ गया। तो यहाँ आएगा 2.303, नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5, आधा मोल, इनटू R की वैल्यू 8.314, यहाँ पे जो दिया है वही ले लो, 8.319 दिया है वही ले लो, बहुत इंटरनेशनल लोग पेपर चेक करते हैं इसका, तो जो है वो लो भाई, R इंटू T 450 × log of base 10 V2/V1, V2 कितना है 9 लीटर, V1 कितना है 3 लीटर, लीटर लीटर कैंसिल। ओके अब क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 0.5 मतलब 1/2 मतलब 225, समझे क्या कुछ, 225, तो क्या बचा भाई 2.3 × 8.3, अदरवाइज ये लॉग से सॉल्व करने का रहता, 2.3 × 8.3, यहाँ कितना बचा 225 × log of base 10, 3 × 3 = 9, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ता, मैं एंटीसा देखना पड़ता। ओके ये आता क्या आपको, लॉग देखना आता, नहीं आता, वेरी गुड, यहाँ मिले तो मिले, इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं आना बेटा। ओके
तो इसके एल और कितने डिजिट रहते वो गिनने का रहता, उसमें से एक माइनस पॉइंट के एल और एक डिजिट है, एक तीन नहीं एक डिजिट है, एक में से एक गया जीरो। लॉग देखने का रहता 30 का जीरो में, 47 41 रहता हो 47 71। इन सबका मल्टीप्लीकेशन करने का रहता, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करने का रहता, वो आता 2.05 इंटू 10^3 जूल आता। तो 2.05 किलो जूल नहीं आता तो सीखने की कोशिश मत करो, रहने दो, अभी अभी टाइम नहीं है, छोड़ो ठीक है ना, उतना टाइम है नहीं। ओके तो ये हो गया, इसका क्या आ गया, ये वर्क डन आ गया। अच्छा आगे सवाल क्या पूछा है, हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस। जरा ध्यान देना बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल है ये, हाउ मच हीट इज सप्लाइड बोल रहा है। कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। एक बात याद रखो, इफ T इज कॉन्स्टेंट, T इज कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल है ना, तो T कैसा है कॉन्स्टेंट, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो U भी कॉन्स्टेंट, U भी कॉन्स्टेंट तो डेल्टा U कितना जीरो। तो Q इज इक्वल टू W, हमने पता क्या किया, W जो W होगा वही Q होगा, तो Q की वैल्यू भी कितनी आएगी 2.05 किलो जूल। समझ में आ गया, तो जो भी आपका Q होगा वही आपका W होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U कितना रहता जीरो, ठीक है। अच्छा इसमें कोई परेशानी सीखने की ख्वाहिश रखते तो आ जाओ, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं रहता है, लॉग टेबल लेके आना आते हो तो, ओके सुतार के पास जाओ, बड़ा सा टेबल रहता है 2.5 लाख का, लॉग टेबल बोलते हैं उसको, लेके आ जाओ बता देता हूं। समझ में आ गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल आ चुका है, ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऐसा भी। देखो हमें क्या पूछ रहा है, ये 3-4 मार्क के लिए आएगा ये भी, ओके क्या पूछ रहा है, अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और सबको पता है अगर पूरे पाथ का पूछता तो साइकिल का वर्क डन इसका एरिया रहता, लेकिन पूरे पाथ का नहीं पूछा, पहला वर्क पता करते फ्रॉम ए टू बी, पहले पता करते फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है, कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क रहता बेटा वो रहता W इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन। अगर केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहे होते तो माइनस पी वी टू माइनस वी वन होता, लेकिन फिजिक्स है भाई, ओके। तो प्रेशर कितना है बोलो, प्रेशर है 6 पास्कल की बात कर रहे हैं वो, 6 × 10^5। तो प्रेशर कितना है यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 6 × 10^5 V2 माइनस V1, ये लीटर की बात हो रही है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, 6 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। तो 6 लीटर माइनस 2 लीटर, बी केयरफुल बेटा, लीटर का क्या मतलब रहता बताओ, लीटर का मतलब रहता डेसीमीटर क्यूब, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी, लीटर का मतलब रहता डेसीमीटर क्यूब, डेसी मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10^-1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3। तो लीटर का मतलब डेसीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब अगर करना है तो मल्टीप्लाइड विद बाय 10^-3, ओके। तो ये 6 × 10^5 × 4 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। तो 6 × 10^5 × 4 × 10^-3, 5 में से 3 गए कितने, 2 × 10^2 साइचोक 24 × 10^2 जूल आ जाएगा, 2400 जूल आ जाएगा। आंसर देखते हैं किसमें, जूल में ही है, 2400 जूल, 2.4, मेक श्योर के एक पॉइंट के बाद आंसर लिखो, 2.4 × 10^3 जूल, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। अब बात कर लेते बेटा बी टू सी वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं। तो बी टू सी कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा भी जीरो, तो वर्क डन भी जीरो, वर्क डन भी कितना है जीरो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सी टू डी, ऐसे ही क्यों चल रहे हो सर, एरो दिया ना, एरो पे चलते रहना पड़ेगा। सी टू डी, सी टू डी भी कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक, कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो वर्क डन क्या आएगा, पी डेल्टा वी, तो पी इन ब्रैकेट वी टू माइनस वी वन। तो बेटा पी कितना है यहां पे देखो, दो
देखो ना इसका पी कितना है, 2 × 10⁵। अच्छा इसका वी टू कितना है, 2। यहां से यहां है ना, वी टू कितना है, 2। 2 − 6, 2 L − 6 L। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵, 2 − 6 − 4, −4 L मतलब 10⁻³ m³। तो 4 × 2 = 8, −8, −8 × 10⁻² जूल। निगेटिव वर्क हुआ क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है। कॉम्प्रेशन कब होता, जब सिस्टम पे वर्क होता, वर्क डन ऑन सिस्टम इज निगेटिव अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो ये −8 × 10⁻² ये 0, ये −8 × 10⁻² अच्छा एक पाथ बच गया, कौन सा पाथ, फ्रॉम डी टू ए। देखो बेटा डी टू ए फिर कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर है तो डेल्टा भी 0, तो वर्क डन भी 0। समझ में आ गया, इस तरह से पता करना। ओके अच्छा इसमें अच्छा सवाल कब बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, ये नीट में भी आ सकता है, अच्छा सवाल है ये। ओके भले ही वो सर्कल जैसा लग रहा है मगर सर्कल है नहीं, वो है इलिप्स। सर्कल का एरिया क्या रहता, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू आर। क्या पूछ रहा, देखो अ हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल, हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकल्स। ओके तो इसको मैं बाजू में बना लेता, देखो ये ऐसे ठीक है, यहां की जो रीडिंग है यह है 11 × 10⁵, और यहां की जो डायमेट्रिकली अपोजिट की रीडिंग है 1 है, तो मतलब 1 × 10⁵। ओके अच्छा, और ये जो है बेटा ये यहां की रीडिंग है 2 × 10⁻³, ये 10⁻³ है, 10⁵ है, 2 × 10⁻³ m³। और यहां की जो रीडिंग है वो कितनी है, 6 × 10⁻³। जरा ध्यान देना बेटा, एक साइकिल का वर्क डन ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल का वर्क डन क्या होता है, ये एरिया क्या होता है, ये एरिया होता है। तो ये एक इलिप्स है, सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू आर, इलिप्स है तो ये अलग ये अलग। तो इसको मैं ए बोल देता हूं यहां से यहां तक के को, और इसको मैं बी बोल देता हूं। अगर ये सर्कल होता तो ये भी आर होता, ये भी आर होता, तो पाई आर स्क्वायर आता, लेकिन ये ए है ये बी है, तो क्या आएगा, पाई ए बी। एक साइकिल का वर्क आएगा पाई ए बी, तो पाई की वैल्यू 3.14, ए कितना आएगा 2 से लेके 6 तक, उसका आधा 2 से लेके 6 तक कितना रहता है, 4। ये लेंथ कितनी होगी, 4, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 4, उसका आधा 2, तो 2 × 10⁻³। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए, और 1 से लेके 11 तक 10, उसका आधा 5, तो 5 × 10⁵, ये हो गया बी। तो ये क्या आ गया, वर्क डन इन वन साइकिल, लेकिन कितने का पूछा है, 25 साइकिल का पूछा है। ओके तो वर्क डन फॉर 25 साइकल्स, एक का उतना है तो 25 का 25 टाइम्स हो जाएगा, तो 25 × π की वैल्यू 3.14 × ये मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 × 2 = 10, 5 में से 3 गए 2, और 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 3, तो 10⁻³ क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब ये क्या हो गया, 25 × 6 = 0, 10 आ गए, 25 × 1 = 25, 35 = 5, 3 आ गया, 25 × 3 = 75, 76 × 77 = 78, 0.2 के बाद, ये 2 के बाद, × 10⁻³। लेकिन इंटरनेशनल मास्टर चेक कर रहे हैं इसलिए इसको यहां सरका लो, क्या बोलेंगे फिर, 7.850 × 10⁴ जूल। समझ आ गया, इस तरह से करना है, या फिर किलो जूल में होगा ज्यादा, ये 4 में आएगा, 7.855 × 10⁴ जूल। ये काफी फेमस है, अगर बोलेगा पेपर डिफिकल्ट निकाला, डिफिकल्ट निकाला, ये करेंगे वो। समझ में आ गया, जितने साइकिल पूछा है उसका एरिया निकालो, और क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। समझ में आया, इधर कुछ बोला नहीं तो पॉजिटिव वर्क ले लिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो
क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल है तो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट तो यू भी क्या आएगा कॉन्स्टेंट, यू भी कॉन्स्टेंट, यू कॉन्स्टेंट तो डेल्टा यू जीरो। क्या बोल रहा है, इट डज 200 जूल ऑफ वर्क ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में किया हुआ वर्क पॉजिटिव, इन्वायरमेंट पे किया हुआ वर्क पॉजिटिव, तो W इज इक्वल टू 2000 जूल। क्या पूछा है, हाउ मच हीट इज एडेड, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो आइसोथर्मल है ना बेटा, तो डेल्टा U कितना आ जाएगा जीरो, तो Q ही क्या हो जाएगा W, मतलब दो बार आया सवाल देखो, तो जितना W उतना Q, तो Q क्या हो जाएगा 2000 जूल। समझ में आ गया, तो यही सारे सवाल है जो अभी तक पूछे गए हैं। देखो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, देखो सवाल कहाँ से आएगा, जो एमसीक्यू होगा वो फर्स्ट लॉ का 100% आने के चांसेस है, फर्स्ट लॉ के सवाल बहुत पूछे गए इसमें, देन ये वर्क डन का एक्सप्रेशन और फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल और ये सारे न्यूमेरिकल, बाकी सारे प्रोसेस वोसेस पे छोटे मोटे सवाल पूछ सकता है। ओके अच्छा, इसमें सेकेंड लॉ एक कर लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ पढ़ा दिया, फर्स्ट लॉ पढ़ा दिया, कभी कभी सेकेंड लॉ पूछता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में अलग अलग साइंटिस्ट के नाम से लॉ है आपको केमिस्ट्री में, ये एक तो ये लॉ है, कौन सा, क्लैसियस लॉ, क्लैसियस लॉ, क्लैसियस लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये है क्या केमिस्ट्री में, अरे जिंदा होके मर गए, क्लैसियस स्टेटमेंट है क्या केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में, नहीं है। देखो इट इज इम्पॉसिबल दैट हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर विदाउट विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन इट। मतलब सिंपल सी चीज है बेटा, हीट जो नेचुरली फ्लो करती वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करती, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे। रेफ्रिजरेटर डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, याद होगा, तो लोअर टेम्परेचर से अगर हायर टेम्परेचर पे हीट जा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा तभी जाएगी, नेचुरली लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे कभी हीट नहीं जाएगी। तो वही स्टेटमेंट है इसका, इट इज इम्पॉसिबल दैट हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर, अगर भेजना ही है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर को हम करंट कनेक्ट करते हैं, करंट मतलब उसका लाइट बिल आता है, तो हम वर्क करते हैं और ठंडे चीज में से हीट निकालते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ठंडी चीज और उसमें से हीट निकाली जाती है, तो ठंडी चीज में से गर्म चीज में हीट भेजी जा रही, तो लाइट चले गई तो ये होता क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे अगर हीट जा रही होगी तो ये सारा चमत्कार किसका है, वर्क का, बिना वर्क किए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट नहीं जाती। ओके उसके बाद और एक स्टेटमेंट है, वो साइंटिस्ट के दो नाम है, आई थिंक केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट कुछ है, एक मिनट, तो कौन सा स्टेटमेंट है, यस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, थ्योरी के लोग काफी चूजी रहते हैं तो जो है वही लिखना पड़ेगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या रहता है बेटा, वेरी सिंपल है, देखो हमने हीट इंजन पढ़ा था, हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर, तो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में हीट पहुंचेगी लेकिन कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगी, तो कोल्ड से हॉट में नेचुरली हीट कभी नहीं जाएगी। ओके तो इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। समझ में आ रहा है, रिजर्वायर मतलब शुद्ध मराठी में साठा, इनफाइनाइट रहता जो, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर विदाउट विदाउट डूइंग एनी वर्क। मतलब कोल्ड रिजर्वायर से हम बिना वर्क किए हीट नहीं बता सकते, दोनों का मतलब एक ही है, बताने का तरीका अलग अलग है। ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर के भाषा में बोल रहा,
क्लासियस स्टेटमेंट, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसमें बात कर रहा, हीट के बारे में बात कर रहा, कोल्ड रिजर्वायर से हीट हम नहीं निकाल सकते। और अगर जनरल पूछता है कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो क्या बोलेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। देखो, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इंटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी टोटली कन्वर्टेड इंटू वर्क। मतलब अगर हम वर्क करेंगे तो हीट जनरेट होगी, तो अब इसको जाके चूल्हे पे पकड़ेंगे ऐसा, तो हाथ ऑटोमेटिक घूमेंगे क्या, नहीं घूमेंगे। तो वर्क का पूरी तरह से हम किस में कन्वर्ट कर सकते, हीट में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, दिस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अब इसमें बाकी छोटी मोटी चीजें क्या रहती, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, समझ में आया। इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत है नहीं। देखो, पांचवा और छठा दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठा एक्सप्रेशन वाइज दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें के काफी ज्यादा सवाल आते हैं। तो कल तुम 7 बजे आ जाओ, 7 बजे या 8 बजे आ जाओ, 7 बजे एक ही टॉपिक लेंगे, 8 बजे आ जाओ, कल हम ऑसिलेशन ले लेंगे, ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेंगे, और करना है ढंग से करो, बिकॉज 16 के 16 टॉपिक का अगर ऐसे लेंगे तो आउट ऑफ पेपर जाएगा, फिर नीट हो या ना हो बोर्ड हो जाएगा। ओके, चलो बाकी कर लेते हैं।